एक और चीज है, ये पूरा शराब नीति वाला अगर घोटाला है, ये क्या है? अगर एक आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो शराब नीति का घोटाला क्या है? बड़ा टेक्निकल है, आम आदमी को समझ नहीं आता। मैं आपको चार लाइन में समझा देता हूं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने शराब की दुकान वालों से पैसे खाए, यही तो आरोप है। मोटे मोटे तौर पे आरोप तो यही है, इसीलिए उनको मनीष सिसोदिया जी ने शराब वालों से कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि शराब वालों से कोई किसी डिबेट में क्या देते हैं 100 करोड़ खाए, किसी डिबेट में क्या देते हैं 1000 करोड़ खाए, किसी में क्या देते हैं 10000 करोड़ खाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया उसके घर में 1-2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं, 1-2 लाख, 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा अपनी वाइफ के लिए, थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो पैसे गए कहां? तो कहां से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला है, ये पूरे आरोप हैं।